2100 मीटर 2100 मीटर उगाना बंद कर दिया है फॉर्च्यून का और किस किस का ऑयल खा खा के आज लोग रिफाइंड ऑयल के नाम से मार्केट में कितने ही प्रोडक्ट आ गए हैं जिसके कारण सब लोग जो है हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, हार्ट के हार्ट अटैक्स आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है। दीदी हम जो है अपने इन दूरस्थ गाँव में जो देख लें कितने दूरस्थ गाँव में हमारे रखें, ऐसे ही अगर हम सरसों की खेती करेंगे जो भी यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका प्रोडक्शन करें तो निश्चित रूप से जो है हम लोग जो है बहुत इकोनॉमी जनरेट भी कर सकते हैं और साथ के साथ साथ ही साथ हम जो है वो जो जो सबसे बड़ी दिक्कत आज समस्या हो रही है पलायन की, तो पलायन की जो है सबसे बड़ी समस्या है ये खत्म हो सकती है जो कि हम आज जो है उन्नत भारत अभियान के तहत इस सारे कार्यक्रम को कर सकते हैं और गांव का आदमी अगर गांव में उसे रोजगार मिले, गांव में उसे अच्छा अच्छा जो है प्रोडक्शन मिले तो जो आज खेत हमारे खलिहान जो बर्बाद होते जा रहे हैं ये सब खत्म हो सकते हैं उन्नत भारत अभियान के तहत। थैंक यू। अरे यार बढ़िया बात है यार, तुम तो बड़े युवा आदमी हो यार और काम कर रहे हैं, नहीं तो युवा तो दिखते नहीं आज काम करते हो, सबको जो ये लगता है कि हम ना हम लोग कैसे करें काम कैसे करें, ये खेत क्यों छोड़ोगे वो खाली इसमें तो आप लगा रखे। अच्छा ठीक है, आप चाहिए कब किया? मेरा 2008 ये हमारे साथी डॉक्टर MPS राणा जी एंड MP गुरजी का परमार सर छानियों को एंजॉय करते हुए और आप देख सकते हो सामने पे बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां और इतनी ऊंचाई पे कोई वनस्पति भी नहीं पाई जाती क्योंकि लगता है वो 3000-4000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट है, इतनी हाइट पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती और लगता है कि सर्दियों में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल होता होगा। और इधर देख सकते हो आप बांज बुरांस के घने जंगल सामने पे, बांस बुरांस मोरू खरशू के ज़बरदस्त जंगल हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी डाउन रहता है
प्रेजेंट टाइम में हम लगभग 2100 मीटर की हाइट में हैं। और प्यारे मित्रों, आप देख सकते हो नीचे गांव वाले अपनी बहुत ही उन्नत सरसों की खेती की कटाई करते हुए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, कह सकता हूँ कि हिमालय की गोद में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत ऊपरी कोट गांव। आज हम यहाँ पे आए हैं, आज हम यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करने आए हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार नज़ारा है, प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध। एंड आप देख सकते हो सामने पे अखरोट का पेड़ जो अपने यौन अवस्था में है, और पीछे आप देख सकते हो पहाड़, और आप महसूस कर सकते हो बहुत ही मंद मंद गति में बहुत ही शानदार हवा को चलते हुए, आप देख सकते हो गेहूं को लहराते हुए, जिसे आप अनुभव कर सकते हो कि हवा चल रही है। और यहाँ पे ऊपर हमारे साथी MPS राणा जी, डॉक्टर MPS राणा जी एंड डॉक्टर महेंद्र प्रताप परमार जी गाँव वालों के साथ कुछ गुफ्तगु करते हुए। और देख सकते हो आप गाँव वालों की शानदार छानियाँ, ज़बरदस्त छानी पत्थरों से ज़बरदस्त चिनाई की गई, कि आप देख सकते हो पत्थरों की और पटाल से बना हुआ शानदार घर है। एंड बहुत ही बेहतरीन चिनाई कर रखी है, इन्हें छानियाँ बोलते हैं, जो मेन जो गांव है, मेन जो ग्राम पंचायत है उससे काफ़ी दूर होता है, क्योंकि इधर इनकी शानदार खेती है, बहुत ही बेहतरीन गेहूं की खेती है, इसलिए ये लोग इतने ऊपर बसे हुए हैं। और इधर आप बगल में अगर आप महसूस कर पा रहे होंगे, अगर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो पानी की बहने की आवाज़ आ रही है। तो इधर बगल में नदी है, हालांकि अभी गर्मी की वजह से जो वाटर डिस्चार्ज है उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी हाइट पे आने पे जो मुझे महसूस हुआ है वो यही हुआ है कि अगर पहाड़ों में अगर मूलभूत आवश्यकताएं हो, जैसा कि चिकित्सा एंड रोज़गार और इसके साथ साथ एजुकेशन, यदि इन तीनों मूलभूत सुविधाओं की प्रॉपर व्यवस्था हो, तो हमारा जो पहाड़ है, पहाड़ी हमारा स्वर्ग हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन मौसम यहाँ पे, जबकि अभी जो मौसम चल रहा है अप्रैल का मिड टाइम चल रहा है, और इस टाइम में पिछले 2 महीनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर फिर भी, यहाँ का टेम्परेचर इसके बावजूद भी औसत है, हमें बिल्कुल भी टेम्परेचर फील नहीं हो रहा है। यहाँ की जो धूप है उसमें हमें बिल्कुल भी टैनिंग फील नहीं हो रही है। ये वजह, इसकी जो वजह है वो यही है कि यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही ठंडी ठंडी और बहुत ही शुद्ध हवा यहाँ पे बह रही है। हालांकि आसपास जैसे कि आप देख सकते हैं कि आग लगने से इससे हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, बट फिर भी इस जगह को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हो लोकेशन बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे हम इस जगह को 2100 मीटर की हाइट है, बहुत ही बेहतरीन पर्यावरण है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ का मौसम हो रहा है, तो हम इस जगह को डेवलप कर सकते हैं एज अ बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल के रूप में। और हम यहाँ के जो ट्रेडिशनल जो घर है उसे एज ए स्टे, होम स्टे के रूप में हम उसे डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत होगी कि यहाँ के जो युवा हैं वो आगे आएं और वो इस दिशा में काम करें। तो यहाँ का जो इतना जो खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ की जो इतनी खूबसूरत जो वैली है, लोकेशन है, इसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, और जिसकी वजह से अगर यहाँ पे प्रॉपर पर्यटन चलता है तो यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है, यहाँ के लोगों, यहाँ के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलने की पूरी संभावना हो सकती है। तो प्यारे मित्रों, आई होप आप आज के हमारे इस टूर को, आज के हमारे इस वीडियो को, हमारी इस यात्रा को, हमारी इस मेहनत को आप ज़रूर पसंद करोगे। और यहाँ पे जो फसल होती है वो पूरी जैविक फसल होती है, यहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं करते, कोई वीडिसाइड यूज नहीं करते, कोई इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करते, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, बल्कि जो इनके अपनी जो नेचुरल जो
गोबर की जो खाद होती है उसको यूज करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो पत्ते होते हैं बांज बुरास के जो पत्ते होते हैं उनको भी यूज करते हैं, जिससे हमारी लैंड को बहुत ही ज़बरदस्त कार्बन की आपूर्ति होती है, जिसे हम ब्लैक सोना भी जिसे कहा जाता है। जो पत्ते होते हैं बहुत ही शानदार खाद का काम करते हैं। तो आप देख सकते हो ये लोग इसी प्रकार की खाद इस्तेमाल करते हैं। और आप जैसे कि यहाँ सामने देख सकते हो, ये गोबर का ढेर है और इस गोबर के ढेर में आपको पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। ये पत्ते जो हैं ये बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज है कार्बन के, और कार्बन बहुत ही आवश्यक मटेरियल है। कार्बन जो है वो बहुत ही आवश्यक मिनरल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करोगे। यहाँ की शानदार ज़बरदस्त लोकेशन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक दृश्य को आप एंजॉय करोगे। और आप देख सकते हो एक प्यारी सी बिछिया जो कि टकटकी लगाए हुए हमें देख रही है। आप देख सकते हो इस घर की बनावट, पत्थरों की दीवार की चिनाई, जो कि एक क्राफ्ट का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। और सामने में हमारे भाई साहब डॉक्टर एम पी एस राणा जी और डॉक्टर महेंद्र परमार जी, जो कि इस यात्रा से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और नीचे देख सकते हो आप सरसों का बहुत ही शानदार खेत। ये हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार रावत जी, भैंसों का बहुत शौक है इन्हें, और पूरा शुद्ध एकदम गांव के आदमी है। देखो कोई बात, इधर भी देखिए जरा, तो बहुत प्यार से है। देखो क्या मारा गया थानू? मेरे को नहीं मालूम भाई लोगों को, मैंने पढ़ा उसका इतिहास ना कि वो जो है उप्पू सराय का कुप्पू चौहान था। मैंने तो सुना कि आप लोग पृथ्वीराज के वंशज हैं। हाँ कहते हैं पृथ्वीराज चौहान के वंशज। आए वो अंग्रेजी कभी कोई पूर्वी जाए हो राजस्थान से, राजस्थान से हम भी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान से। जब मुसलमानों ने अटैक किया ना उसी समय, उस समय में हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, चलो छोड़ो जाओ छुपो कर जाते हैं कहीं किनारे पे, इसीलिए हुआ सब। कुछ बोलिए सब क्या उसे कहा मुनाल न और एक नहीं वो वहाँ का जो जो उसका गांव गांव का जो ज्ञान जो साठ गांव का था एक वो प्रधान ग्राम वहाँ का इधर कहीं उसका वो है बगीचा फतेह भाई फतेह वो देखो पार वहाँ से नजदीक वो ऊपर है सर वो दिख रहा है झंडे के ऊपर। अब फतेह भाई का दिमाग देखो कैसा मालदार आदमी करोड़पति आदमी कहाँ बना दिया टूरिज्म और रणवीर ने और औलाद का मैं एक मास्टर है एक ठेकेदार है रणवीर सिंह नेपाल देखे उधर से पता नहीं कौन लगा रहे हैं नेपाल ये साहब इसका अब फतेह भाई का बुद्धि जी बे फतेह भाई ऐसी चीज नहीं कि फतेह भाई कोई कम चीज है बुद्धि जी बे ऊपर क्या जाति तो राणा
नारायण सिंह पौर अरे भाई जी तुमने आफत के लिए कोई आफत नहीं चाहे कोई आफत हुई ना ना भाई साहब ना कि तुम बेचारे अब गर्म हो तो कोई बात नहीं है अरे अच्छा 2 महीने रहते घर में बाकी तो यहीं रहते 10 महीने देखो ये बताते हैं कि आदमी जितना शहर से दूर है वो उतना खुश है और जितना हम जब शहर में है ना हम उतने ही जो है टेंशन में हैं। बाजार जाते हैं तो जैसा आप कल के लिए बाजार का मोड़ बन गया कि बाजार काम जुड़ गया कल बाजार जाना है तो आज नींद नहीं आई रात को अरे घर छोड़ो क्या है बाजार में क्या है बाजार में पहले है क्या है बाजार में हम अपने तो बाजार ही जरिए सर जैसे अपनी गाय है जो आज एक इंडेक्स होता है हैप्पीनेस इंडेक्स होता है हैप्पीनेस इंडेक्स है अपने गांव का ऊपर ये सर आप लाए हैं इधर से ये सारा नीचे तक लास्ट तक मतलब में अगर पानी होता ना पता होगा आप लोगों का ना 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 पानी तो बहुत है सर पर पिछड़ा हुआ है कौन देता है पानी योजना देते ना मैं तो हम योजना के अंतर्गत से करवा देते धन्यवाद अरे कल ये परसों में कि बारसू रैथल और हरसिल की तरफ पर हमारे भाई बच्चा मठ हम तो डॉक्टर।